दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एसपीडी साइंस का जो टेस्ट पेपर होता है दोस्तों, उसी को हम लोग दोस्तों सेट बाय सेट पढ़ेंगे। दोस्तों तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हेनरी बेकुरल। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकुरल, डी। दूसरा क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा सी, जोसेफ लिस्टर। तीसरा है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा सी, होमी जहांगीर भाभा। याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था E=mc² का प्रतिपादन। याद रखिएगा। पांचवा है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने किया था। याद रखिएगा। अगला है छठा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बंगलौर में स्थित है। याद रखिए, कहाँ पर है, बंगलौर में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबल पुरस्कार कब मिला था, तो इसका राइट आंसर होगा 1933 ईस्वी। कब है, 1933 ईस्वी में मिला था उनको नोबल पुरस्कार। चंद्रशेखर वेंकट को नोबल पुरस्कार कब मिला था, तो 1933 ईस्वी में, इसका राइट आंसर। आठवां है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु का नाभिक का जो खोज किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा, परमाणु का जो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ए, याद रखिए। नौवां है, सूर्य के द्रव्यमान के 9.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, तो चंद्रशेखर सीमा। इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा राइट आंसर होगा। दसवां क्वेश्चन है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की जो खोज की थी, इसका राइट आंसर होगा ए, जगदीश चंद्र बोस। केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था, तो जगदीश चंद्र बोस, याद रखिएगा इसको। ग्यारहवां है, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेघनाथ साहा। इसका राइट आंसर होगा डी, मेघनाथ साहा, याद रखिएगा। बारहवां है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज किया था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा। तेरहवां क्वेश्चन है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए दोस्तों, याद रखिएगा, आर्यभट्ट। क्या होगा, आर्यभट्ट, याद रखिएगा अच्छे से। चौदहवां क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जेम्स चैडविक ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ए, जेम्स चैडविक ने किया था। पंद्रहवां क्वेश्चन है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। इसका राइट आंसर होगा, परमाणु के सिद्धांत के प्रतिपादन का जो खोज किया है किसने किया है, जॉन डाल्टन ने किया था। सोलहवां है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी रचना है, तो चार्ल्स डार्विन की। क्या इसका राइट आंसर होगा ए, चार्ल्स डार्विन ने किया था। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी रचना है, तो चार्ल्स डार्विन की है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। सत्रहवां है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखिएगा। अठारहवां क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन को तत्वे के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हेनरी केवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी केवेंडिश ने किया था इसका राइट। उन्नीसवां हम लोग बात करते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज की थी तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। बीसवां है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डब्ल्यू सी रॉन्टेंजन। किसने किया था एक्सरे की खोज? डब्ल्यू सी रॉन्टेंजन। दोस्तों हम लोग 20-20 क्वेश्चन ही हम लोग पूरा करेंगे दोस्तों इस वीडियो